हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं आपके पास में कि करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग, देखेंगे उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी और सभी जेंडर के लिए होगी, सभी साइंस के लिए होगी। सेम जेंडर रिलेशनशिप में आप तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो आपके साथ हो सकता है कोई सिचुएशन, कोई बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। और ये मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होगी। मैरिड है सेपरेशन में तो भी देख सकते हैं, सिंगल है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल कर रहे हैं गाइस, आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखें और अपने पार्टनर के बारे में सोचें जिनके बारे में भी आज आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ठीक है। एंजल हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, ठीक है। करंट एनर्जी में गाइज आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के हमारे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के, एंजल्स प्लीज हमें बताएं, ठीक है। ये कार्ड गिरा है लाइक स्ट्रेंथ, दो कार्ड है हमारे पास लवर्स और नाइट ऑफ कप्स, ये ऐसे था एक्चुअली, ठीक है। गाइस बॉटम में सिक्स ऑफ कप्स, ओके। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके पार्टनर की, देखते हैं क्या बता रहे हैं आज आपके लिए कार्ड्स और एनर्जीज हमें। गाइस थ्री ऑफ पेंटिकल्स है आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कोई ऐसा इंसान था, ऐसी सिचुएशंस थी या फैमिली आप दोनों के बीच में आ रही थी कि आपकी फैमिली उनकी फैमिली आप दोनों को मिलने नहीं देना चाहती थी। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं सभी के लिए ये रीडिंग है। तो उनको जो बहका रहे थे, आपके खिलाफ कर रहे थे आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर आपके पास अब आना चाहते हैं। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स की जो भी एनर्जी है ना, थ्री की, ये आपके पार्टनर ख़त्म करना चाहते हैं। कहीं कहीं तो आपके पार्टनर ने ऐसे कह दिया होगा कि मैं कभी तुमसे नहीं मिलूँगा, आप लोगों से कभी नहीं मिलूँगा, अगर अब आपने मुझे उसकी तरफ जाने के लिए रोका तो। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए एक स्टेप ले भी चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने छोटा सा कॉल मैसेज करें आपको या कोई वीडियो लाइक करते हैं, कुछ ऐसा छोटा पॉजिटिव था। अभी आपके सामने हो सकता है ये बात नहीं लेकर आएँ कि वो अपने फैमिली से बात कर रहे हैं या उस सिचुएशन को ख़त्म करने की कोशिश करें जो आप दोनों के बीच में दूरियाँ लेकर आई है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एंजल्स बता रहे हैं, वहाँ तक ये है कि आपके पार्टनर एक छोटा सा स्टेप आपकी तरफ आने के लिए ले चुके हैं। अब चाहे लोग उनको रोकने की कोशिश करेंगे ना गाइस, तो भी वो नहीं रुकेंगे। आज ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं। फाइव ऑफ वैंड, आपके पार्टनर गाइस अब उन हालात से, अपनी फैमिली से, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है उनका, वो आपकी तरफ आने के लिए जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसके लिए उनको अगर अब स्टैंड किसी भी तरीके से लेना पड़े वो लेंगे आपके लिए। लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके साथ रहने के लिए, आपको अपना करने के लिए, अपना बनाने के लिए। गाइस आपके पार्टनर अब आपको खोना नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आपकी वैल्यू तो समझ आई है और वो पास्ट की बातों को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और गाइस आपके पार्टनर ना, मुझे मैरिड पर्सन्स के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जल्दी ही आपको लेने आना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड देख रहे हैं तो आपके वाइफ बहुत जल्दी आपके पास आना चाहती हैं। गाइस मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट कैसे करना है आपको, कोई अच्छा सा आप म्यूज़िक चला लीजिए और उस पर ये इस तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए कि थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर से दूर हो गई। अब वो थर्ड पार्टी कौन है ये आप बेहतर जानते हैं अपने रिश्ते में, आपके रिश्ते में कौन सी थर्ड पार्टी है। बहुत उसके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, लेकिन आपको ये फील करना है कि वो चली गई है थर्ड पार्टी और मेरा पार्टनर मेरे पास ही है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये कम से कम आप 21 डेज 48 डेज तक आप ये कंटिन्यू करते रहिए। थोड़ा सा मुश्किल होता है मेडिटेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये टेक्निक यूज़ करना, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क करती है।
अगर आपके पार्टनर इस एनर्जी में कि दूसरों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि गाइज आपका मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेलीपैथिक मैसेज सेंड कीजिए अपने पार्टनर को, वहाँ से उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। द मून, उनको कोई एक, मैंने यहाँ बताया कि कोई एक स्टेप वो ले चुके हैं आपके पास आने के लिए, वही थर्ड पार्टी अपना पूरा कोशिश कर रही है। कहते हैं ना, थोड़ा बुरा है वर्ड, पूरा जहर उगल रही है वो अभी आपके खिलाफ, आपके पार्टनर को। सॉरी, लेकिन आपके पार्टनर और आप दोनों साथ रहना चाहते हैं अभी भी। मैं ये बात आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि अभी भी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है और वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, नया घर अपना, एक नई फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पास। गाइस, अब आप इस रिश्ते पे कितना वर्क करते हैं, आप कुछ मंत्र चैंट कीजिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेडिटेशन, ये सब कुछ आपको करना है। आपके पार्टनर को इस वक्त स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं क्योंकि थर्ड पार्टी से उनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अब आप इस रिश्ते में लापरवाही मत कीजिए, ठीक है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते के ऊपर आपको वर्क करना है। आपके पार्टनर तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं थर्ड पार्टी से यहाँ पर, अब आपको सिर्फ बैठे नहीं रहना है। आप जिस भी रिलीजन के हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुआएं होती हैं, इतने बहुत सारे मंत्र होते हैं जो आपको चैंट करने हैं, जिससे आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है गाइस। क्योंकि वो, उनको बहुत हिम्मत चाहिए क्योंकि अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पास, आपके बिना रह नहीं सकते, नई शुरुआत करना चाहते हैं। हमारे पास तमून का भी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, हिम्मत लेकर आ रहे हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, वापस तो आना ही है उन्हें लड़ाई झगड़ा करके, लेकिन यहाँ पर वो आपको सारी चीज़ें फिर से ऑफर करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। द लवर्स का कार्ड है हमारा और यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप दोनों के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर। ये टूटेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा। बॉटम में हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, वो अब आपकी तरफ झुकना चाहते हैं गाइस। अगर उनमें बहुत ज़्यादा ईगो था ना, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर झुकेंगे आपको, आपकी तरफ जस्टिस देंगे इस रिश्ते में। द फूल का कार्ड है, वो नई शुरुआत करेंगे। फिर से हमारे पास है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। फिर हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की पूरी तैयारी और पूरी कोशिश में है गाइस। थोड़ा सा अब आपको इस रिश्ते के ऊपर, इस रिश्ते के लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपको इस रिश्ते के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी, नेगेटिविटी से आप दोनों को दूर रहना पड़ेगा। आप दोनों को निकला है मुझे, मतलब आपके पार्टनर भी कभी कभी नेगेटिव सोचते होंगे बहुत ज़्यादा। स्प्रिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। मैं ये कार्ड लूँगी स्ट्रेंथ गाइज, यहाँ से भी हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर को हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हो सकता है उनमें इतनी हिम्मत आ गई हो कि आपके खिलाफ, वो सबके खिलाफ जाकर आपके साथ रिश्ता शुरू कर सकते हैं। द चैरियट गाइज हमारे पास यहाँ पर भी आया था, मैं वापस से देखती हूँ कार्ड। देखिए, ये कन्फर्मेशन होती है एंजल्स की, नाइट ऑफ कप आपके लिए आया था और यहाँ पर है द चैरियट। गाइस दोनों कार्ड से दिखाते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, वापस सारी शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें हिम्मत की ज़रूरत है। गाइस 10 से 15 मिनट्स निकाल सकते हैं आप मेडिटेशन करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है कि वो अपने पार्टनर से बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। द हर्मेट का कार्ड है, इस वक्त आपके पार्टनर जहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, वहीं उनका मन नहीं है किसी से भी बात करने का। मतलब कहते हैं ना, वो पहले हंसते बोलते खेलते कूदते होंगे, और अगर वो कुछ अच्छी पोस्ट डाल रहे हैं, आपको ये पता चल रहा है वो बातें कर रहे हैं, तो दिल से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं टूट गए हैं, उनका दिल नहीं किसी से भी बातचीत करने का, खुद को अलग कर लिया है बिल्कुल, उस वक्त अकेला महसूस कर रहे हैं। आज की रीडिंग में गाइस मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। द मैजिशियन गाइस, इस रिश्ते में एंजल्स वर्क कर रहे हैं, आपको थोड़ा सी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, जादू की तरह सारी चीज़ें
द म्यूजिशियन का कार्ड है गाइज, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको इस वर्क करने वर्क करने की ज़रूरत है इस रिश्ते के ऊपर, आपके अंदर इतनी एनर्जी है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, देखिए यहाँ से कुछ चैंट कर रहे हैं, ये जो बना हुआ है ये कहीं से चैंट कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं। आपको ना करना पड़ेगा भाई, मेरे लिहाज से अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ तो आपको करना रहेगा। मंत्र चैंट करिए द व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस ये रिश्ता बहुत अच्छा है, बुरा टाइम ख़त्म हो गया, रिश्ते का नया शुरू होने वाला है, आप पॉजिटिव रहिए ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, आपको है ना डेथ, आप दोनों के बीच में जो भी दूरियाँ हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, आप दोनों एक होंगे। आपको गाइस अगर थर्ड पार्टी को ख़त्म करना है तो आपको थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करना रहेगा। द हाई प्रिस्टेस का आज कार्ड की कुछ अलग ही मीनिंग निकल कर आ रही है, आपको अपने थर्ड आई चक्र पर काम करना रहेगा। आपको अगर थर्ड पार्टी को ख़त्म करना है तो आपको पावर में आना होगा गाइस। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें दिखाता है कि पूरी तरह से ये रिश्ता नई शुरुआत चाहता है, नई शुरुआत होगी इस रिश्ते में। एंजल्स भी यही कह रहे हैं, कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, तो कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में। अब आप थोड़ी सी कोशिश और मेहनत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ गाइस देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको मिलेगी, हो सकता है यही सही टाइम हो। व्हील ऑफ फॉर्चून भी है आपका एक्शन लेने का, कि आपको द हाई प्रिस्टेस ये कार्ड भी यही दिखाता है कि आपको कोशिश करनी है इस रिश्ते को बचाने के लिए, सरेंडर करना होगा आपको गॉड के ऊपर। बैलेंस लेकर आएंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते में, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका और आपके पार्टनर का। स्ट्रेंथ, यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड है, तीन बार हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है। आपको और आपके पार्टनर को हिम्मत की ज़रूरत है गाइस ठीक है। पॉजिटिव रहिए अपने रिश्ते के लिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। ये थी आज की हमारी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। आज मैंने लेक्चर भी बहुत ज़्यादा दिया है। मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा हमारा हमेशा। बाय।